सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह उत्तरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 53वें पृष्ठ की 8वीं पंक्ति पर 36वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तदनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से प्रयत्न करते हैं हम। कहते हैं महायोगी, अवर रेंज इज फिक्स्ड विद इन द क्राउडेड आर्क ऑफ व्हाट वी ऑब्जर्व एंड टच एंड थॉट कैन गेज एंड रेयरली डॉन्स द लाइट ऑफ द अननोन, waking in us the prophet and the seer, the outward and the immediate are our field, the dead past is our background and support, mind keeps the soul prisoner, we are slaves to our acts. We cannot free our gaze to reach wisdom's sun. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की वर्तमान विकसित अवस्था में बाह्याकारित चेतना की सचेतनता पर व्याप्त अचित जड़त तथा हमारी इंद्रियों का संचालन होने से बहिर्मुख दृष्टि के कारण उसके समक्ष बाह्य स्तर पर घटित होने वाली कोई भी घटना या वस्तु का अर्ध या थोड़ा सा ज्ञान ही प्रभावित कर पाता, प्रकट हो पाता, जिसे इंद्रिय बोध से आकलन करके असावधान या बिना परवाह विशुद्ध ज्ञान की बिना परवाह किए आने वाले समस्त घटनाक्रम या वस्तुओं के स्पर्श बोध से जानने व आकलन करने को हमारी इंद्रियां टूट पड़ती है और सकल किए गए उपलब्ध बोध को अर्ध प्रकाशित मन के समक्ष निर्णय निर्देश हेतु रख देती है। मन प्राप्त हुए बोध पर पूर्ण बुद्धिमत्ता से विचार करके अथवा कल्पनाओं के आधार पर कुछ और अधिक ज्ञान प्राप्ति से अर्ध अर्ध कचरा ज्ञान व्यक्त कर देता है हमारा मन। उसकी जीवन यापन क्षेत्र के क्रियावलियों में इंद्रियगत बोध संचालित सीमित एवं संकीर्ण बाह्य ऊपरी बोध ज्ञान की सीमाबद्धता होती है, जिसे वह सामान्यतः कभी भी नहीं लांग पाता है। न लांग पाने की सीमित क्षमता के कारण अंतर में गहराई में छिपे भागवत सत्य दर्शन से उसकी दृष्टि वंचित ही रह जाती है और न ही निकट भावी के घटित होने वाले घटनाक्रम का ही दिव्य दर्शन पा सकता, जो कि पूर्व निश्चित वो निर्धारित सूक्ष्म जगत में अभिव्यक्त
हुआ रहता है इसी संकुलित बहिर्वर्ती इंद्रियगत संचालित वृत्त चाप के भीतर हमारी लघु सीमा निश्चित है, जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं और जिसका स्पर्श इंद्रिय बोध ले सकते हैं एवं निरीक्षण व स्पर्श बोध प्राप्त कर प्रेषित करते हैं मन को। यह हमारा मन तब प्राप्त इंद्रियगत बोध स्पर्श ज्ञान पर विचार करके कल्पना करके बड़ी जटिलता से मुश्किल से निर्णय करके टटोल टटोल कर खंड खंड ज्ञान प्राप्त ज्ञान को श्रृंखला बद्ध जमा कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। ऐसे अतिश्रमित घोर परिश्रम से सतत अत्यंत धीमी चाल व गति से युगों युगों के व्यतीत हो जाने उपरांत इकट्ठे किए गए बोध ज्ञान के प्रभाव से कभी कभी हम अरबों खरबों मानवों में से कोई कोई का दुक्का भागवत चयनित होकर इंद्रियगत बोध की सीमाबद्धता का उल्लंघन करके परालोक चेतना में समग्रता के बोध ज्ञान के विशुद्ध क्षेत्र में अंत पुरुष साक्षात्कार करके आत्म साक्षात्कार उपरांत अपरा सीमा अतिक्रमण करके परा परात्पर ज्ञान लोक में पहुंच पाता है, जहां प्रवेश पाकर उसकी व्यष्टि चेतना समष्टिगत वैश्विक चेतना के संग एकाकार होकर शाश्वत क्रीड़ा के प्रसंग में घटित होने वाली भावी योजना संग संयोजित हो जाती है। उसके भीतर शाश्वत के क्रियाकलाप की भावी योजना के दिव्य दर्शन से संपूर्ण भावी अभिव्यक्ति के समग्र ज्ञान से समन्वित एक ऋषि एक दिव्य दृष्टा जागृत हो जाता है। इस प्रकार जागृत हुए इस दिव्य दृष्टा ऐसे महान ऋषि के समक्ष अज्ञात शाश्वत का दिव्य कर्म का यह मानव यंत्र बना होकर उनके शाश्वत प्रकाश ज्ञान के सूर्य का प्रकाश जगत में आलोकित हो सकने का माध्यम बन जाता है। मानव दैनिक दिनचर्या के सामान्य जीवन यापन में सामान्य तौर पर उसके समक्ष बाह्य परिस्थितियों जन्य आवश्यकताएं एवं उनकी पूर्ति हेतु मांग को जान समझकर इन कामनाओं की पूर्ति में बाह्य स्तर पर पूर्णतया संलग्न बना रहता है और पल पल की जाने वाली मांग की पूर्ति के कार्यों में सतत इंद्रियगत बोध सीमा बंधन में बना रहकर अपरा प्रकृति काल संचालित कर्म करता ही चला जाता है और भूतकाल के किए गए कर्मों के बंधन की सीमा में रहते हुए इनके पूर्व कर्म परिणामों के अनुभव की पूंजी से वर्तमान जीवन यापन के कर्मों का संचालन करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार बाह्य और तात्कालिक आवश्यकता ही तो हमारे निज के क्षेत्रों का सीमांकन है और सकल मृत प्राय भूतकाल की संचित अनुभूतियां
मात्र हमारे वर्तमान जीवन की पृष्ठभूमि का है, हमारा जीवन यापन का एकमात्र अवलंबन सहारा है। मन के प्रादुर्भूत हो जाने से चेतना विकास के क्रम में विकसित मानव तो पूर्वजों अर्थात जड़ शरीर एवं उश्रृंखल विश्रृंखल प्राण से प्रभावित जीवन ही यापन कर पाता, किंतु मन के पदार्पण से विकास की द्रुत गति पाकर उन्नत मन वाले मानव जिनका जीवन मन से प्रभावित होकर संचालित होता है, वे भी शरीर व प्राण प्रभावित तो बने ही रहते हैं और सज्ञानता होने पर भी विवश बने रहकर अनेक अनेक क्रियाकलापों से उन्हें गुजरना पड़ता है। अगर कहें कि विकसित उन्नत मनधारी मानव भी सतत बाह्य इंद्रिय प्रभावित बोध से जीवन यापन करता है तो अनुचित नहीं होगा। ऐसे प्रबुद्ध मनधारी मानव का मन भी स्वयं को सबसे श्रेष्ठ जानते हुए अहम प्रभाव से प्रभावित रहकर भीतर गहराई में विद्यमान अंतरात्मा को बंदी बनाकर ही रखता एवं वर्तमान जीवन यापन को श्रेष्ठ मानता जानता है और कभी भी अंत में गोपित आत्मरूपी प्रज्ञा सूर्य पर पड़े बाह्य आवरणों को चीर कर भीतर पहुंच पाने के कहां पूर्ण रूप से अंतर्मुखी बनकर स्वयं की दृष्टि गढ़ा पाता है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिस पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है। Oh.